साहब के घर में इधर से गैराज पानी था बंगाल से गई और आगे ज्यादा चेहरा इधर तीन दिन पहले वो आगे तक तो पानी बहुत राहत दिया है सर आज से कल तक तो परेशान थोड़ा डाउन हुआ थोड़ा डाउन हुआ सारे लोग डूबे हुए यहाँ से हाफ किलोमीटर है गाँव से 800 मीटर हाँ जहाँ घर था इस जगह पानी मैं इतना बेकाबू हो गया घर दुआर तो देखबे कर डूबिए गल आज आर में दाम धरो सब खत्म हो गए आर की बाबा मालो खा के कोई गोत नहीं आदमी नहीं माल अब जैसे तोरा रंग के करो राशन के रूप में सर 100 पैकेट दिया गया है जबकि 300 से अधिक लोग पीड़ित है इस वार्ड नंबर 1 में और यहाँ मवेशी के बहुत दिक्कत है उसके लिए चारा नहीं उपलब्ध हुआ है अभी तक और स्वास्थ्य कर्मी को जो आना चाहिए वो भी यहाँ नहीं आ रहे हैं। लोग बीमार पड़ रहे हैं अपने स्तर से प्रयत्न मैंने जा रहे हैं प्राइवेट में और सरकार के तरफ से अभी कोई स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था नहीं है। लोग यहाँ त्राही माम हैं और यहाँ का जो फसल है सब नष्ट हो चुका है और यहाँ लोग किसान परेशान हैं। इसको जीने के अभी कोई साधन नहीं है और मवेशी का भी चारा उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे आपके माध्यम से कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य के लिए प्लस जो है हर आदमी के जो है कि खाना के लिए प्लस मवेशी चारा उपलब्ध करने की कृपा की जाए। और जो है छिड़काव अभी तो आया ही नहीं है, छिड़काव अभी नहीं हुआ है, पानी अब उतर रहा है तो जो है प्रदूषित हो रहा है वातावरण, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य के तरफ से कोई यहाँ आया नहीं है। आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम मंगल यादव हुआ सर, चौरगांव वार्ड नंबर 1। त्राईमा त्राईमा कर रहा है बाढ़ से, पूरा उत्तर बिहार जलमग्न है। मुंगेर जिला का अधिकांश जो है प्रखंड जलमग्न है। मुंगेर जिला का और तारापुर विधानसभा क्षेत्र का, असरगंज प्रखंड का 4-5 प्रमुख जो है गांव और पंचायतों में बाढ़ के कारण विनाश लीला है। खेती चली गई, समुद्र बन गया और अभी जब हम गांव में आए हैं चोरगांव में, अभी अमैया भी जाएंगे, ढोल पहाड़ी भी जाएंगे, जो भी हमारा प्रभावित असरगंज प्रखंड का गांव है उस गांव की स्थिति हम देख रहे हैं कि सड़क पर कमर भर कहीं पानी है, कहीं ठेवना भर पानी है। अभी हमने यहीं से बाढ़ पीड़ित लोगों के सहायता के लिए उनके आंखों में जो आंसू बह रहा है और जो उनको तकलीफ है उस संबंध में सीधे सीओ असरगंज से बात किया। सूखा खाने का प्रबंध जान जाल माल के लिए प्रबंध, इसके साथ साथ मवेशियों के लिए चारा और इंसान के लिए रोटी का प्रबंध, शिविर लगाना, स्वास्थ्य केंद्र लगाना और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना। जनता तकलीफ में रहेगी तो जनता के सवालों को उठा करके इसका हल कराना
हम लोग की जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी के लिए आज आए हैं और देख रहे हैं कि आज चारों तरफ हजारों लोग जो आगे पीछे लगातार चल रहे हैं। सबका तकलीफ हमने देखा है। मुंगेर के जिलाधिकारी से हमारी दो बार बात हुई।